acting on the Calcutta High Court's order, the Central Bureau of Investigation has dedicated an email ID for people to register complaints of crimes against women and land grabbing in Sandeshkhali and North 24 Parganas district of West Bengal. Recently, the Calcutta High Court had ordered a court-monitored CBI probe into alleged incidents of sexual assault and land grabbing in Sandeshkhali, saying that an impartial inquiry was necessary for the interest of justice and fair play. The district magistrate has also been requested to give adequate publicity to the said email ID in the locality and also issue a public notice in the vernacular dailies having a wide circulation in the areas as per the High Court's order. Renik Dutta is joining us for more on this story. Renik, CBI taking this action after the court order? एकदम ही देखिए संदेशखाली मामले में जिस तरीके से कंप्लेन आ रहा था लैंड ग्रैबिंग उसके साथ साथ ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार का जो कंप्लेन आ रहा था उसी सिलसिले में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से 10 अप्रैल को एक ऑर्डर दिया गया था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा हर एक केस को और सीबीआई को एक पोर्टल चालू करना पड़ेगा और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से एक पोर्टल भी चालू किया गया है, एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है sandeshkhali@cbi.gov.in। ये इस ईमेल आईडी में जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन कर पाएगा संदेशखाली का, जो जिसका पास भी कंप्लेन होगा वो संदेशखाली का रेसिडेंस उन लोग सीबीआई के पास डायरेक्टली कंप्लेन कर पाएगा इस ईमेल आईडी से। और सीबीआई की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नॉर्थ 24 परगना का उनको भी रिक्वेस्ट किया गया है कि ये जो ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी को पूरा संदेशखाली एरिया यानी संदेशखाली विधानसभा एरिया के अंदर में नाजोर पुलिस स्टेशन, संदेशखाली पुलिस स्टेशन एरिया में जितना भी आदमी है उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दे कि इस ईमेल आईडी के मार्फत से वो लोग डायरेक्टली सीबीआई के पास कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से बार बार से संदेशखाली का पीड़ित नागरिक की तरफ से मांग किया जा रहा था कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देकर संदेशखाली का जो भी केस है उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसका मांग को मान्यता देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि सीबीआई की तरफ से एक पोर्टल चालू करते हुए उसको जो भी कंप्लेन होगा वो कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगा और कंप्लेन का इन्वेस्टिगेट भी सीबीआई को करना पड़ेगा और अगले 15 दिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का डिविजन बेंच है टी सिब्रमण्यन एंड हिरणमय भट्टाचार्य, ये दोनों का जो डिविजन बेंच है इसमें सबमिट करना पड़ेगा। उसी सिलसिले में सीबीआई की तरफ से ये ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, ये इस ईमेल आईडी के मार्फत से वो लोग जो कंप्लेन वो कंप्लेन दायर कर पाएगा। ये कंप्लेन में जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार का कंप्लेन भी दायर किया जाएगा और उसके साथ साथ ही जो लैंड ग्रैबिंग का केस है उसका भी कंप्लेन दायर किया जाएगा। अभी तक फिलहाल 5 जो केस था वो 5 केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक। तो ये 5 केस सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो 5 केस नाजोर पुलिस स्टेशन में 2 केस था और संदेशखाली पुलिस स्टेशन में 3 केस था, ये 5 एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगा और उसके साथ साथ ही और दूसरा जो केसेस है उनका इन्वेस्टिगेशन का दायित्व भी सीबीआई को दिया गया है। और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से ये ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है। इस ईमेल आईडी के मार्फत से संदेशखाली का जो कंप्लेनर है वो लोग कंप्लेन कर पाएगा सीबीआई को, सीबीआई को पूरा जो उनका जो डॉक्यूमेंट्स वो भी प्रोवाइड कर पाएगा। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी सीबीआई की तरफ से बोला गया है कि संदेशखाली का जितना भी कंप्लेन है वो लोग किस तरीके से इसमें कंप्लेन दायर करेगा, सीबीआई के पास किस तरीके से कंप्लेन लेके आएगा, उसका जो इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन उनके तरफ से पहुंचा देने के लिए भी बोला गया है और एक नोटिस भी सर्कुलर करने के लिए बोल दिया गया है। जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि संदेशखाली में सीबीआई का एक टीम जा सकता है, सीबीआई का एक टीम जो एसआईटी सीबीआई की तरफ से तैयार किया गया है वो एसआईटी मेंबर्स संदेशखाली विजिट कर सकते हैं, उधर जाके जो भी जिसके पास भी कंप्लेन है उनको भी इस पोर्टल में किस तरीके से कंप्लेन दायर करना पड़ेगा उसका इंफॉर्मेशन भी सीबीआई की तरफ से भी दिया जाएगा, ऐसा सीबीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.